हाँ जी, तो आज से ठीक 10 महीने पहले मैंने आपको मिलवाया था शीरो से। शीरो, शीरो द सर्वाइवर। अब आप पूछेंगे शीरो कौन है और ये सर्वाइवर क्यों? अरे बाबा, वो शीरो वाला वीडियो नहीं देखा क्या? कोई बात नहीं, टेंशन नॉट, मैं हूं ना। एक छोटी सी क्लिप के थ्रू आपको दोबारा से शीरो की स्टोरी इन शॉर्ट बताता हूँ। तो ये कहानी है एक अंधेरी शाम की। बाहर बारिश हो रही थी और नेहा को बहुत देर से पप्पी के रोने की आवाज आ रही थी। पहले उसने इग्नोर किया, फिर वो इरिटेट हुई, एंड देन फाइनली जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उसके रूम के सामने एक छोटा सा पप्पी बैठा हुआ है। उसने देखा कहीं इसकी माँ, भाई बहन कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं था सिवाय इस दुबले पतले से पप्पी से। शी हैड नो चांस अदर देन टू टेक हिम इनसाइड। बस दिस इज हाउ शीरू मेट नेहा। तो ऐसे ये भाई साहब मिले मेरी बहन नेहा को। अब उस टाइम पे नेहा की सिचुएशन भी बहुत सही नहीं थी। नेहा वॉज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साथ में उसकी फिजिकल हेल्थ भी डिटोरिएट हो रही थी। जब शीरो से मिला तो नेहा को मिली एक नई रे ऑफ होप और दोनों ही एक दूसरे के साथ मिल के ग्रो करने लगे। अब क्योंकि आप लोग मुझसे 1000 करोड़ बार शीरो के बारे में पूछ चुके हो, आप कोई सा मेरा वीडियो उठा के देख लो, कमेंट सेक्शन में शीरो का नाम आते ही आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार दोबारा से शीरो से मिलवाया जाए। सो ऑन वन फाइन डे, यानी कि आज, हम गए शीरो से मिलने। तो अब हम शीरो के घर पहुंच चुके हैं और सुनने में आया भाई ने बहुत आतंक मचाया हुआ है, काट वाट भी आजकल लोगों को देखते हैं। हमने सोचा हम शीरो को सरप्राइज करेंगे, पर शीरो भाई साहब ने पहले ही खिड़की से हमें देख लिया था और हमारा वेट कर रहे थे। ले, शीरो ले, तो चप्पल। शीरो है क्या? अरे शीरो फर्स्ट में गेट में ही है तो। चल शीरो चल। तेरे को कितना बड़ा हो गया ये शैतान। ये देखो कितना बड़ा हो गया ये। मैंने सुना तो काट रहा है आजकल लोगों को। हैं? गुर्रा भी रहा। चल शीरो चल चल। शीरो की आंखें ना उसको बहुत स्पेशल बनाती हैं। एक तो इसकी आंखें बड़ी बड़ी सी, एकदम गहरी सी हैं, मैक्स की तरह, पर दिखने में, और जो उसका टेक्सचर है वो एकदम गोष्टी की तरह है। इसकी आंखें शैतानी और मासूमियत दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। इसकी आंखों का टेक्सचर ना वहाँ बिल्कुल गोष्ट की तरह है, मतलब जो अंदर का वो है ना जो टेक्सचर है पूरा पैटर्न जो है। शीरो ये देखो, जब तक मैं यूट्यूबर नहीं बना था फेमस तो मेरी बहन मेरे को कुछ नहीं खिलाती थी। और अब देखो संतरे खाओगे? खैर इसके बाद जब इसकी दीदी यानी कि नेहा को मैंने बोला कि शीरो के बारे में कुछ बातें तो बता, तो मैडम ने तो शिकायतों की लड़ी लगा दी। भगवान से प्रेरणा वो लगा दी शीरो को थोड़ी अकल आ जाए। और इसने गद्दा फाड़ दिया। प्लीज जनरली से बंदर बंदर आते हैं राइट, तो उनको भगाते हैं। हमारे शीरो जी का करते हैं चुपचाप बैठ के उनको घूरते रहते हैं। आज सुबह का ही इंसिडेंट है, यहाँ पे कुत्ते आए हुए थे, ठीक है, भगाना छोड़ के चुपचाप बैठ के देख रहे हैं महाराज, और हमाले बने रहते हैं शेर। तो शीरो का वो है ना सीन, मेहमान नवाजी करना चाहता है ना, वो मेहमान नवाजी। फिर से ना लोग अक्सर ये पूछते हैं कि शीरो को आप अपने साथ हाइक वगैरह भी क्यों नहीं लेके जाते हो। जितना उजड़ी है ना ये भी जाएगा खाई में, मैं भी जाऊंगा खाई में। माफ करो इसके साथ, क्योंकि ना नॉर्मली नहीं चल सकता इंसान, या तो लिटरली स्लो मोशन लाइक इट्स पॉज और फास्ट फॉरवर्ड, मतलब इसके साथ तुम नहीं चल सकते यार, तुम नहीं चल सकते। मुंह कैसा बना रहा है शीरो। भगाती है ना डॉगीज को, शर्म आनी चाहिए इसको, इतना बड़ा हो गया है, एक काम भी होता है इससे। और अगर तुम ये सोचोगे कि तुम छत में गेहूं डालो या दाल रखो और फिर इसको छोड़ दो ताकि ये यू नो प्रोटेक्शन करे, नहीं 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 नहीं, पता क्या होगा, वो गेहूं और दालें ये खा जाएगा। गेहूं और दाल मेरा चप्पल काट दो बेटा, जल्दी काट, फटाफट काट। देखो अब शैतान बच्चा, वो भी शीरो जैसा, जब घर में होगा ना तो शिकायतें तो होंगी। पर जब मैंने नेहा को पूछा कि ये बता कि हाउ हैज शीरो चेंज्ड योर लाइफ, इसका जो जवाब उसने दिया दैट टच्ड माय हार्ट। शीरो क्या बताऊं शीरो के बारे में, वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा लाइफ चेंज हो गई है, बहुत ज्यादा।
तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे शीरो आएगा जिंदगी में, और अब तो वैसे एक साल हो चुका है। और बात यह है कि शीरो ने सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पूरे फैमिली की लाइफ चेंज कर दी है। इतनी ज़्यादा फिक्र रहती है, इनफैक्ट मेरे घर वालों को मुझसे ज़्यादा फिक्र रहती है। मम्मी बब्बा फ़ोन करके पूछते हैं कि अरे शीरो को खाना खिलाया नहीं खिलाया, अरे बारिश हो रही है, शीरो को तले आ, अरे शीरो ये है, अरे शीरो वो है। तो बहुत अच्छा लगता है उनको, बिकॉज क्योंकि ऐसा होता है ना, एक एज के बाद लाइक बोरियत सी हो जाती है, एंड शीरो वो एक्साइटमेंट लेकर आया। और मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को शीरो की आंखें बहुत अच्छी लगती है, एंड स्पेशली वो ना शैतानी कर रहा होता है, एंड उसकी आंखों में वो दिख रहा होता है ना कि मुझे अभी कुछ चाहिए, मुझे अभी खेलना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक पर्टिकुलर मोमेंट है जब मैं एक बार ना रो रही थी, बिकॉज आई डोंट नो मैं क्यों रो रही थी। तो ऐसा हुआ कि मैं बैठ के रो रही थी, तो पता नहीं ये कहाँ से आया, शीरो आया एंड ही स्टार्टेड लिकिंग मी। तो वो जो इंसिडेंट था, इट मतलब मैं भूल गई उस वक्त, मेरे सारे आंसू गायब हो गए, भूल गई मैं वो परेशानियां। और उस टाइम के लिए आई वॉज लाइक कि यार देखो, कोई करता है मुझसे प्यार, इतना अनकंडीशनल लव जो होता है, पूरी लाइफ चेंज हो गया। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसे डॉग को अडॉप्ट करूंगी। वैसे देखा जाए तो ही बहुत शैतान है, बाप रे बहुत ज्यादा शैतान है, बट ये जो लव होता है ना और हैप्पीनेस जिसको हम लिटरली चेज कर रहे होते हैं, ये मुझे मिली है मेरे शीरो की वजह से, एंड शीरो सच में मेरा हीरो है। तो ये भाई साहब शीरो द सर्वाइवर से अब बन चुके हैं शीरो द हीरो। पता है आजकल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आपका नेक्स्ट डॉग कौन सा होगा, वो कौन सी ब्रीड का होगा, और मैं चाह के भी इसका जवाब आप लोगों को नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे चैनल ग्रो हुआ है मेरी अंडरस्टैंडिंग भी ग्रो हुई है। ये जो गुड बॉयज़ का प्यार है ना, इसको भी मैं कुछ बेटर तरीके से समझ पा रहा हूँ। पहले इस चैनल के पहले मैं चाहता था कि जर्मन शेफर्ड में पालूँ, मेरा बहुत दिली तमन्ना थी। इनफैक्ट गोष्ठी के आने से पहले भी मैं चाहता था कि जर्मन शेफर्ड पालूँ, बट नाउ आई नो दैट आर नेक्स्ट बेबी विल बी द वन हु विल चूज अस, जो खुद हमें चुनेगा, जो खुद हमें ढूंढेगा, वही हमारा नेक्स्ट बेबी होगा। जब भी आना होगा वो खुद मेरे पास आएगा, वो कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्या पता यहीं कहीं मेरे आजू बाजू ही हो, पर हाँ वो खुद मेरे को ढूंढेगा और वो खुद मुझे चुनेगा। वी डोंट चूज देम गाइस, दे चूज अस। अगले वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ बच्चों से, लैला जी और बादशाह से, और वो वीडियो ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एक्चुअली मैं आपको आज ही मिलवा देता उनसे, पर यहाँ पे ना मौसम 2-3 दिन से बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इस वजह से हम लैला जी और बादशाह से मिल ही नहीं पाए, पर वेरी सून आपको उन दोनों से मिलवाने वाला हूँ। और ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ यार। मेरे बच्चे यार वो बड़े बड़े हो गए होंगे, मतलब वो ऑलमोस्ट 6 महीने के होने वाले होंगे, सो वो कितने बड़े हो चुके हैं, गोलू मोलू हो चुके हैं, कैसे होंगे आई डोंट नो। सो नेक्स्ट वीडियो इज़ गोना बी रियली एक्साइटिंग। जैसे बारिश खत्म होती है ना दोस्तों, बच्चों से मिलने चलेंगे। और सुनो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है आपके भाई को। एंड ऑन दिस नोट, द हिमालयनस की ओवर एंड आउट। और सुनो, एक सीक्रेट बता रहा हूँ आपको इस बार, कि आपका भाई प्यार करता है आपसे।